किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं अपच, दस्त, अजीर्ण और पेचिश जैसी बीमारियों के लिए कुछ देसी दवाइयाँ। दूध में नींबू निचोड़कर पीने से दस्तों में लाभ होता है। दस्त में मरोड़ हो, आम आती हो तो नींबू का उपयोग करें। एक नींबू का रस एक कप पानी में मिलाकर पिलाएं। इसी प्रकार दिन में 5 बार दें, इससे दस्त बंद हो जाता है। मीठा आम का रस आधा कप, दही 25 ग्राम और अदरक का रस 1 चम्मच सब मिलाकर पिए। इससे दस्तों में अपच के कण निकलना और बवासीर ठीक होती है। सूखा आंवला और काला नमक समान मात्रा में पीसकर जल के साथ आधा चम्मच की फंकी लेने से दस्त बंद हो जाता है। केला कब्ज करता है। 2 केले आधा पाव दही के साथ कुछ दिन खाने से पेचिश संग्रहणी ठीक हो जाती है। आलू बुखार, यह मल रोधक है लेकिन कब्ज नहीं करता। कच्चा पपीता उबाल कर खाने से पुराने दस्त ठीक हो जाते हैं। गाजर से पुराने दस्त और अपच के दस्त ठीक हो जाते हैं। प्याज को पीसकर नाभि पर लेप करने से दस्त बंद हो जाते हैं। 30 ग्राम प्याज के रस में 1 राई के बराबर अफीम मिलाकर पिलाएं, तुरंत दस्त और मरोड़ बंद हो जाएगा। आधा पाव छाछ में 12 ग्राम शहद मिलाकर पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। दस्तों में मरोड़ होते हैं। अखरोट को पानी में पीसकर नाभि पर लेप करने से मरोड़ दूर हो जाएगा। धनिये में काला नमक मिलाकर भोजन के बाद लेने से खाने के बाद दस्त जाने की आदत छूट जाती है। केवल धनिये की फंकी से दस्त बंद हो जाता है। आधा कप उबलता हुआ गर्म पानी लें, इसमें 1 चम्मच अदरक का रस मिलाएं। जितना गर्म पिया जा सके उतना गर्म पिए। इस तरह 1 घंटे में 1 खुराक लेते रहने से पानी की तरह हो रहे पतले दस्त भी बंद हो जाते हैं। लाभ होने पर भी 2-3 खुराक जरूरी है। पानी उबाल कर ठंडा करके 1 गिलास को भर लें। इसमें जरा सा नमक, स्वाद अनुसार चीनी मिलाकर घोल लें। इसे बार बार पिए। रोगी को कुछ न कुछ पिलाते रहें तथा नियमित भोजन करने को कहें। इससे शरीर में कमजोरी नहीं आए। 1 ग्राम नीम के बीज यानी निमोली की गिरी थोड़ी सी चीनी मिलाकर पीस कर पानी से फंकी लें। भोजन में केवल चावल ही लें। तुलसी के पत्तों का काढ़ा पीने से दस्तों में लाभ होता है। 10 ग्राम तुलसी के पत्तों का रस रोज पीने से मरोड़ और अजीर्ण में गुणकारी है। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी गर्म दूध में फुलाकर रात्रि को सेवन करें। सुबह दही में भिगोकर उसमें नमक, सौंठ और जीरा मिलाकर मिलाएं। कुछ दिन लगातार इसे सेवन करने से दस्तों में आव निकलना बंद हो जाए। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।